कि अगर इस देश की सारी महिलाएं अपनी शक्ति को पहचाने और उस शक्ति को एक राजनीतिक शक्ति में बदल दें, तो ये देश बदल सकता है। ये प्रियंका गांधी के वो बोल हैं जिसको लेकर प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के चुनावों में मुख्यमंत्री योगी को टक्कर देंगी। उत्तर प्रदेश में अगले साल 2022 की आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने लखनऊ में बुधवार को महिला घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर उन्होंने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 40% आरक्षण देने के साथ कई बड़ी घोषणाएं की। कि नए सरकारी पदों में आरक्षण प्रावधानों के अनुसार 40% महिलाओं को नियुक्ति होगी। इसका मतलब है कि जो हमने घोषणा की कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, उसमें से 8 लाख रोजगार महिलाओं के लिए होंगे। 50% तक महिलाओं को नौकरी देने वाले व्यवसायों को कर में छूट और सहायता मिलेगी। महिलाओं द्वारा संचालित छोटे व्यवसायों को सस्ता ऋणों और टैक्स रिफंड हेतु फंड मिलेंगे। कामकाजी महिलाओं के लिए 25 शहरों में सुरक्षित और नवीनतम सुविधाओं वाले छात्रावास बनाए जाएंगे उनके लिए। ग्रामीण और कुटीर क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। उसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा बहुओं के लिए 10,000 रुपये का न्यूनतम मानदेय मिलेगा। सहायता समूह को 4% इंटरेस्ट रेट पर ऋण, मनरेगा में महिलाओं को प्राथमिकता, 40% कार्यों में आरक्षण मिलेगा। राज्य में राशन की 50% दुकानों का प्रबंध और संचालन महिलाओं द्वारा किया जाएगा। शिक्षा के लिए जो शैक्षिक सशक्तिकरण है, उसके लिए हम कुछ कदम उठाना चाहते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा अपने भाषणों में, 10+2 में प्रत्येक लड़कियों के लिए स्मार्टफोन दिया जाएगा। आइए जानते हैं महिलाओं को लेकर घोषणा पत्र में कांग्रेस ने क्या क्या वादे किए हैं। ग्रेजुएट छात्राओं को स्कूटी मिलेगी, महिला द्वारा संचालित छोटे व्यापारों में टैक्स से छूट मिलेगी, बस में फ्री यात्रा मिलेगी, विधवा को 500 रुपए पेंशन दी जाएगी, गरीब महिलाओं को फ्री इंटरनेट मिलेगा, आवासीय खेल अकादमी बनवाई जाएगी, पुलिस बल में 25% महिलाओं को नौकरी मिलेगी, बलात्कार जैसी शिकायत में नियमों का पालन नहीं होने पर अधिकारी का निलंबन होगा, हर जिले में महिलाओं के लिए मुफ्त कानूनी मदद मिलेगी, कोई भी बीमारी होने पर 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलेगा। वहीं बीजेपी के प्रियंका गांधी के चुनाव के समय मंदिर जाने के तंज पर पलटवार करते हुए प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को आस्था का सर्टिफिकेट नहीं देने की बात कह दी। योगी जी को क्या मालूम कि मैं कहाँ जाती हूँ, कौन से मंदिर में जाती हूँ और कब से जा रही हूँ? उनको ये मालूम है कि मैं 14 साल की उम्र से मैं व्रत रखती थी? उनको क्या मालूम? क्या वो सर्टिफिकेट देंगे मुझे अपने धर्म का या जो मेरी आस्था है उसका? मुझे उनकी प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं है। महिलाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रियंका गांधी लगातार मुखर रही हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस के 2 घोषणा पत्र जारी करने का निर्णय काफी अहम माना जा रहा है। वहीं इससे पहले प्रियंका गांधी 40% टिकटों के अलावा भी महिलाओं के लिए कई घोषणा कर चुकी है।